एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करने पहले, सबसे पहले तो आप सभी को मेरे ओर से मैरी क्रिसमस, क्योंकि आज क्रिसमस है। तो मेरे ओर से मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और साथ ही साथ मैं लॉर्ड जीजस से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी को हमेशा खुश और हेल्दी रखें। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है, इट्स काइंड ऑफ लाइक अनबॉक्सिंग वाला जैसा ही होगा, क्योंकि ये मेरा डेली व्लॉग जैसा नहीं है। कुछ प्रोडक्ट को मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ जो कि मेरे से थोड़ा रिलेट करता है, क्योंकि कुछ महीनों से, ऑलमोस्ट 4 to 5 months में एवरी इवनिंग को काम के बाद घर जाकर फ्रेश अप होकर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। एंड मेडिटेशन के बारे में बात करूँ तो वो एक जरिया लगता है मुझे, जिसके थ्रू हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। दिन भर में हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, उसको हम लोग सेग्रीगेट फिल्टर कर सकते हैं और अपने आप को जो गलत किया है उसे हमें, मतलब उसे सुधारना है, उसे बेहतर करना है और एक बेहतर इंसान बनने के लिए एक मेडिटेशन एक जरिया लगता है। उससे हम लोग अपनी गलतियों को पॉलिश कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। एंड मोर ओवर लाइक जो लोग मेडिटेशन नहीं करते उनको पता नहीं होगा, लेकिन मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे लगता है कि पेशेंस लेवल बहुत बढ़ा देता है ये मेडिटेशन करते वक्त, और अपने आप को ज़्यादा जानने लगते हो कि आप किस तरीके इंसान हो। क्योंकि भले कोई आपको कुछ भी बोले, है ना, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद को जानना ज़रूरी है, आप कैसे हो ना। तो मेडिटेशन वो चीज़ में हेल्प करता है और मोरओवर मुझे लगता है कि मेडिटेशन नेगेटिव एनर्जी को काफ़ी दूर रखता है, वो ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जी को अपने और अट्रैक्ट करता है और अपने एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करता है। लोग दौलतमंद हो जाएंगे, वेल स्टैब्लिश हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल वगैरह, सक्सेसफुल हो जाएंगे, इस तरीके का कहना होता है। लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी को, इंसान को एक अच्छा इंसान होना भी ज़रूरी है, एक गुड ह्यूमन होना भी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन उस पर हेल्प करता है, ठीक है। तो और जब भी मैं मेडिटेशन करती थी तो मैं, मतलब रूम तो छोटा है, मतलब छोटा है ना, जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरा रूम तो एक ही सिंगल रूम है, तो छोटा है, तो उसका एनवायरनमेंट एंड एम्बियंस बनाने के लिए मैं हमेशा टीवी में, यूट्यूब में मैं जो मेडिटेशन का जो एक सोलफुल वाला जो म्यूज़िक रहता है उसे मैं लगा देती थी। उसके बाद में एनवायरनमेंट थोड़ा बन जाता है, एम्बियंस, तो उसके बाद में मेडिटेट करती थी, करती आई हूँ अभी से 4-5 महीने से मैं कर ही रही हूँ। तो अभी मैंने हाल ही में कुछ देखा था इंटरनेट में, तो मैंने वो प्रोडक्ट को मंगाया है और अभी आज उसका ही अनबॉक्सिंग काइंड ऑफ है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, प्रोडक्ट तो खुल रहा है, आप सब वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी उस समय को मेरा आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर दे के ही कर रही हूँ। तो ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से मंगाया था और इसका प्राइस 670 पड़ा था, और इसे तिब्बतन प्रेयर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं और इससे एक अच्छा वाइब आता है। और अभी जैसे देख सकेंगे कि वुडन एक स्टिक मिला है और एक, अभी खुलते हुए आप देखोगे, एक बाउल मिला है बहुत अच्छी तरीके से, उसमें तिब्बतन अल्फाबेट से कुछ कुछ लिखा हुआ है, वो तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन जैसे आप साउंड सुन पा रहे होगे, ये साउंड बहुत एक रिलैक्सिंग फील कराता है। और एग्जैक्टली इसे किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, उसे कैसे बजाया जाएगा, वो मैं आप सभी को बाद में जब मैं रिव्यू दूंगी उस समय को मैं उसे ऐड कर दूंगी। और क्योंकि मेरा जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था वॉइस नहीं आया था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो अभी मुझे वॉइस ओवर देना बहुत अलग सा और लग रहा है। बट या मैं इसका जो बाउल है तिब्बतन प्रेयर इंस्ट्रूमेंट का मिले, और साथ ही साथ जो वुडन स्टिक है इसका, जो मैं मेडिटेशन के वक्त इसे यूज़ कर इसका एक्चुअल रिव्यू मैं बाद में दूंगी। और अभी जैसे ऐसे बजा कर भी मुझे काफ़ी अच्छा फीलिंग आ रहा है, अच्छा एक एम्बियंस क्रिएट करेगा आई होप मेरे मेडिटेशन के सेशन में। तो जैसे आप सबको पता लगी है कि मेरा जो हॉल वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने किया था करीबन 3 से 4 मिनट का अनबॉक्सिंग का, वो पूरा पानी में चला गया, क्योंकि
वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने जैसे तैसे मैंने वॉइस ओवर दे दिया। तो ये है प्रोडक्ट, ये वुडन स्टिक, और ये इसका तो मैं रिव्यू अलग से बाद में बनाऊंगी ही, लेकिन अभी के लिए ये इस तरीके का अंदर में बुद्धा का पांच मेडिटेट वाला पोस्चर वाला है, उसके बाद में बीच में एक बुद्धिस्ट का कुछ सिंबल है, और पीछे में आप देख सकते हैं ओम का है। अभी क्योंकि ये मैं फ्रंट कैमरा से कर रही हूँ, सेल्फी वीडियो बना रही हूँ, तो इसीलिए ये उल्टा आ रहा है, तो इस तरीके। और यहाँ पे टिबेटन का कुछ अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन इसका मैं जब वीडियो बनाऊंगी इसका किस तरीके से इसे यूज किया जाता है, तो बाहर से इसे घुमाना चाहिए या फिर अंदर से होगा, ये सब चीज़ मैं बाद में देखूंगी। मैंने देखा था बट मेडिटेशन के बाद मैं फिर अच्छी तरीके से देखूंगी, ताकि इसका और अच्छा वाइब्स और अच्छा कंटेक्स होए मेरे ड्यूरिंग मेरे मेडिटेशन के सेशन में। तो यार आज का जो ब्लॉग था यही था, बीच में वॉइस कैमरा में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ज्वाइन हो गया, बट इवन दो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, एंड मैं जेन्यूनली रिव्यू देने वाली हूँ उसको लेकर जब मैं मेडिटेशन करूँगी। तो उसके बाद अगर आप सबको लगता है कि खरीदना है, आप लोग को भी एक वाइब एक एम्बियंस पीसफुल एम्बियंस क्रिएट करने के लिए अपने रूम में अपने घर में, तो ज़रूर खरीदिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी। और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, और मेडिटेशन डजन बिलोंग टू ये रिलीजन वो रिलीजन वो खास, ऐसा नहीं। मेडिटेशन एक हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, भी है स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए। तो जो लोग भी जो जिनको भी थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस है, एनजाइटी है, या फिर डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, और थोड़ा बहुत भी मेंटल स्ट्रेस है ड्यू टू योर वर्क लोड या फैमिली के इश्यूज को लेकर, या फिर अपने पर्सनल कुछ इश्यूज को लेकर अगर मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो मैं जेन्यूनली आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप सब एटलीस्ट 30 मिनट्स या 45 मिनट्स या फिर फॉर 1 आवर, आप जैसे भी दिन में टाइम निकल कर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन डजंट मीन कि आप सिर्फ आँख बंद करो और ऐसे बैठ जाओ, ना, आपको अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करना होगा। एंड सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो काम करता है, मतलब 24x7, वो हमारा माइंड ही है, हमारा ब्रेन ही है, तो इसीलिए उसे काम करना, उसे स्टेबल रखने की कोशिश करना होगा। मेडिटेशन ऐसा नहीं आप जस्ट बैठ गया बस हो गया, नहीं, आपको अपने दिमाग को, आपके दिल को, अपने मन को आपको शांत कराना होगा, एक चीज़ को ध्यान लगाना होगा। बहुत बहुत अच्छा फीलिंग आता है, मैं बोल रही हूँ, आप तो कोशिश करिएगा। और अगर कहते हैं ना, जब आपका माइंड स्टेबल रहता है तो हर चीज़ स्टेबल ही रहता है, तो इसीलिए एक बार ट्राई करिएगा। और ज़्यादा कुछ तो है नहीं है ये व्लॉग में, बस इसका अनबॉक्सिंग था जो ठीक तरीके से नहीं हुआ होगा, लेकिन इवन दो प्लीज़ अगर आप सबको अच्छा लगा है ये चीज़, तो क्या कहूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं है ये व्लॉग, ये अनबॉक्सिंग का ही था, एंड इसका रिव्यू मैं अलग से बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए तो मुझे बहुत एक तो अच्छा वाला फीलिंग दे रहा है, एक तो इसका जैसे एक वेरिएशन आता है ना, एक अलग सा अच्छा एक पीस देता है। एंड या बस इतना तक ही रखना चाहूंगी, एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए।